हाय, माय नेम इज शाश्वत, आई एम फ्रॉम ब्रिकफोलियो प्राइवेट लिमिटेड। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे है जो एग्जैक्टली न्यू खड़ारी पे लोकेट करता है, एंड दिस इज अ लग्जरियस प्रोजेक्ट। इयॉन आईटी पार्क, इयॉन फ्री जोन एज वेल एज मेन जो प्राइम आईटी सेक्टर्स है वो अराउंड 10-15 मिनट्स के डिस्टेंस में ही आ जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको अनइंटरप्टेड ग्रीनरी भी मिलेगा। सो दिस इज योर 3 BHK विथ 1490 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको एंट्रेंस में ही मिल जाता है एल की तरफ से एक डिजिटल डोर लॉक। चलिए एंटर करते हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको मिल जाता है दिस ब्यूटीफुल 4x4 का एक बहुत ही खूबसूरत लॉबी स्पेस विथ दिस मैसिव साइज ऑफ 22 feet by around 11 feet का आपका ये डाइनिंग एंड लिविंग एरिया। सो दिस इज अ ह्यूमंगस साइज ऑफ लिविंग एरिया। अगर देख सकते हैं आप तो यहाँ पर ऐसे एक सोफा आप अरेंज कर सकते हैं एज वेल एज एक एल साइज सोफा अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर इस लिविंग एरिया की स्पेस की बात करें तो बहुत सारा है एज यू कैन सी। अगर यहाँ की बात करें तो इस लिविंग एरिया से आपका डायरेक्ट एक्सेस आपको मिल जाता है आपके बैल्कनी के साइड। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ टफन ग्लास विंडो, दिस इज अ सैंडविच ग्लास, एंड अ स्मॉल डिफरेंस इज देयर। टफन ग्लास में क्या होता है कि टफन ग्लास अगर कोई ऑब्जेक्ट से धक्का लगे तो टूट सकता है, पर सैंडविच ग्लास इज नॉट लाइक दैट। सैंडविच ग्लास में दो अलग अलग ग्लास मिडिल में जोड़े जाते हैं विद सम केमिकल्स, जिसके लिए आपके जो टूटने के चांसेस है या कुछ भी है तो झुड़ के नहीं पड़ेगा और टूटने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। एंड यू आर गेटिंग दिस विद अ मस्क्यूटो मैश। लेट्स कम इनटू द बैल्कनी। सो दिस इज अ स्पेशियस बैल्कनी एरिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी नीचे के साइड वुडन फिनिश के एंटी स्किड टाइल्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एज वेल एज सैंडविच ग्लास के ही आपको रेलिंग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद अ स्टील बार। एंड अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पर ऐसे ही आप एक टी टेबल अरेंज करके आपका जो स्पेशियस फैमिली टाइम है वो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अगर इस साइड की वॉल की बात करें तो यहाँ पर आप ऐसे ही एक वर्टिकल गार्डन भी अरेंज कर सकते हैं, और सोच सकते हैं कि दिस इज अराउंड 35 फ्लोर बिल्डिंग, तो यहाँ से डायरेक्टली आपका रिवर व्यू भी मिलेगा, तो व्यूज तो बहुत ही खूबसूरत होंगे एज वेल एज अनइंटरप्टेड आपको ग्रीनरी यहाँ पे मिलेगा। सो अगर बात करें दिस एंटायर प्रोजेक्ट की तो बहुत ही एक प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू योर डाइनिंग एरिया, लेट्स गो। विद दिस ब्यूटीफुल एंड ह्यूमंगस साइज ऑफ लिविंग एरिया यू आर ऑल्सो गेटिंग योर डाइनिंग एरिया। अभी के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 6-सीटर डाइनिंग टेबल अरेंज किया गया है, पर इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं क्योंकि स्पेस बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है। एज वेल एज यहाँ पर आप डिनर करते करते आपका फैमिली टाइम या आपका एंटरटेनमेंट टाइम भी एंजॉय कर पाए, इसके लिए ऐसे ही आप एक स्मार्ट टीवी इस वॉल पे आप अरेंज कर सकते हैं, या तो इससे भी बड़ा साइज का एक स्मार्ट टीवी अरेंज कर सकते हैं ताकि आपके एंटरटेनमेंट के लिए कभी कमी नहीं हो। नाउ आफ्टर दिस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया यू आर गेटिंग अ डायरेक्ट एक्सेस टू योर किचन, एंड एज यू कैन सी दिस इज अ ब्यूटीफुल किचन। यहाँ पर अगर बात करें तो ये किचन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं क्योंकि ये जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है दिस इज नॉट अ टाइल, दिस इज अ क्वार्ट्ज। क्या होता है कि टाइल पे अगर आप कोई गर्म बर्तन भी रखे तो वो वहाँ पे रखने के वजह से आपको स्पॉटिंग आ सकते हैं, पर नहीं यहाँ पर इस टाइल में आपको नहीं आएंगे। एज वेल एज ऐसे ही आप एक कैबिनेट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि आपके किचन का जो डेली यूसेज है वो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पाए। नीचे की साइड की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे ही तरीके से आप अपने कटलरी के लिए भी अरेंज कर सकते हैं ताकि आपके कटलरी भी यहाँ पर अरेंज हो जाए। एज वेल एज इसी किचन के साथ आपको बहुत ही खूबसूरत और एक स्पेशियस यूटिलिटी एरिया भी मिल रहा है। यस, सो दिस इज योर स्पेशियस यूटिलिटी एरिया, जहाँ पर अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टील रेलिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं आपके सेफ्टी के लिए। यहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन एंड डिशवॉशर रखने के लिए भी प्रोविजंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। नाउ अगर बात करें वेंटिलेशन की तो यस, यहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन के लिए अगर इस साइड पे आप नज़र देंगे तो यहाँ पर भी विंडो आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर बात करें स्पेस की तो ये स्पेस को लेकर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको आप हटा सकते हैं, यस इट्स रिमूवेबल। एज वेल एज यहाँ पर अगर स्पेस की भी बात करें तो यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से ऐसे ही या डबल डोर एक फ्रिज भी यहाँ पर आप अरेंज कर सकते हैं जिसके लिए प्रोविजंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टू योर फर्स्ट बेडरूम, जो हो सकता है आपका किड्स बेडरूम, और आप अपने हिसाब से उसको गेस्ट बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय द वे लेट मी टेल यू समथिंग, ये जो हम डिटेल्स बोल रहे हैं इसको आप वेरीफाई करने के लिए पहले हम एक बार नज़र दे देते हैं आपके
प्रोडक्ट गैलरी के ऊपर। लेट्स गो, कम। अगर बात करें आपके प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे जो सर्टिफिकेशंस हैं कि आपके प्रोडक्ट जेन्युइन कैसे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेट्स टेल अबाउट रीइंफोर्समेंट स्टील या आपके कोई भी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट, तो सारे यहाँ पर आपको अवेलेबल है। एज वेल एज अगर डोर की क्वालिटी की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डोर प्रोवाइड किया जा रहा है विथ ईएल की तरफ से, एक डिजिटल लॉक एंड अ आई होल। नाउ लेट्स मूव टू योर फर्स्ट थिंग। देखिए क्या होता है, अक्सर फायर रिटार्डेंट जो होते हैं कंस्ट्रक्शन, वो एक बेटर क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन होता है। लेट्स से यहाँ पर आपको फ्लोर में कभी भी फायर लगा या आग लग गई, तो ऑटोमेटिक फायर ऊपर के ऊपर राइज करता है। पर ये जो आपका डेवलपर जो प्रोवाइड कर रहा है, उस पर आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर भी कभी भी फायर का सिचुएशन हुआ, तो वो ऊपर के ऊपर राइज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोल रहे हैं फायर रिटार्डेंट कॉन्क्रीट। इन फायर शैप्स आपको हर एक फ्लोर में प्रोवाइड किया जा रहा है। एज वेल एज बात करें कि आपके विंडोज़ कितने मजबूत हैं, यस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो विंडोज़ के टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो यूज़ किया जा रहा है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एज वेल एज अगर हम बात करें कि आपके वायरिंग की या कैसे आपका एंटायर जो बिल्डिंग है उसके वायरिंग की, तो उसमें भी आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको FRLS वायरिंग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आग कैच नहीं करता। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वालिटी है वायर की, बहुत ही स्टैंडर्ड एंड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू योर कॉन्क्रीट पार्ट। कि हर इंसान का एक सवाल रहता है कि हमारा कॉन्क्रीट कैसा हो रहा है या हमारा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। नाउ एज यू कैन सी, जो आपका क्रैक्स है या आपका जो वाटर लीकेज है, उसके लिए जो ये फोम है, ये आपको स्पेशली यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। एज वेल एज अगर बार्स देखें, तो इसी तरीके से आपके बार्स के जो वीड है या बार्स के जो क्वालिटी है, वो भी मेंटेन किया जा रहा है। देखिए अभी स्टील बार की बात करें, तो दो टाइप के स्टील्स बार होते हैं, एक है वन स्टैंडर्ड एंड वन इज रस्ट प्रूफ। सो यहाँ पर आपको डेवलपर रस्ट प्रूफ स्टील्स बार्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं आपके बेटर कॉन्क्रीट के लिए और बेटर जो कॉन्स्ट्रक्शन क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। एज वेल एज आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि देखिए डेवलपर ये जो कोटिंग है ये भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। एज वेल एज अगर कॉन्क्रीट की बात करें, जो RCC वॉल होगा, इनर वॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सिंगल कॉम्पोनेंट एक्रेलिक कोट आपको मिल रहा है। RCC वॉल है वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। अभी आ जाते हैं आपके जो एक्सटर्नल वॉल एंड टेरिस के जो क्वालिटी है उसके ऊपर। अगर आप यहाँ पे नज़र देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये रॉड्स आपको दिखाए जा रहे हैं, वो हर एक रॉड आपको यहाँ पे क्लोज किए गए हैं विथ कलर पिगमेंटेड गन, एज वेल एज दिस इज कॉल्ड ग्राउट गन। उसके ऊपर ही आपका ये जो कोटिंग आ रहा है, दैट्स अ डैम प्रूफ कोटिंग। यस, आपको डैम के लिए कभी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज वेल एज ये जो तीन लेयर्स ऑफ कलर हैं, ये आपका वेदर प्रूफ कलर है, ताकि आपके जो एंटायर बिल्डिंग है या आपके जो पर्टिकुलर फ्लैट है, उसको कभी हानि ना पहुंचे या उसमें कभी लीकेज की इशू या कोई भी, मॉनसून के टाइम पे हो जाता है कि कभी कभार कलर्स जो है वो फेड हो जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू योर गेस्ट बेडरूम और योर किड्स बेडरूम, लेट्स गो। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डेवलपर ने डिजेबल पर्सन्स के लिए भी एक चीज़ किया है जो कोई भी डेवलपर नहीं करते हैं। यस, यहाँ पर अगर आप नज़र देंगे, तो दिस इज़ काइंड ऑफ ब्रेल। अगर एनी पर्सन विथ अ डिजेबिलिटी कम्स फॉर अ विजिट ऑन दिस प्रॉपर्टी, दे कैन लाइक टच इट एंड फील, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो पूरा पूरी अंडरस्टैंड कर पाए, इसके लिए यहाँ पर ब्रेल भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डेवलपर हैज़ अ थॉट कि एवरी पर्सन इज इक्वल, एंड येस दिस इज़ अ वेरी काइंड एंड वेरी जेनरस थॉट, आई रियली अप्रिशिएट इट। ये जो आपका एंटायर अपार्टमेंट है, उसका एक बेस्ट पार्ट है क्या है, कि हर एक बेडरूम में आपको अटैच बैल्कनी मिलेगा। यस, यू हर्ड मी राइट। चलिए नज़र डालते हैं आपके फर्स्ट किड्स बेडरूम, या इसको आप अपने हिसाब से गेस्ट बेडरूम भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज योर स्पेशियस किड्स बेडरूम, एज यू कैन सी। उसके साथ ही अटैच्ड दिस इज योर बैल्कनी। यस, फर्स्टली लेट्स हैव अ लुक ऑन योर बैल्कनी। नाउ दिस इज योर बैल्कनी विथ
योर किड्स बेडरूम। एज आई टोल्ड यू कि हर एक बेडरूम के साथ आपको यहाँ पे अटैच बैल्कनी मिलेगा। यहाँ पर भी सेम आपको वुडन फिनिश के एंटी स्किड टाइल्स प्रोवाइड किए गए हैं, एज वेल एज आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे सैंडविच ग्लास की रेलिंग प्रोवाइड किए गए हैं विद अ स्टील बार। एज वेल एज इसी जो बेडरूम की बात है, इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट्स से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनका एक छोटा सा प्ले एरिया बने, तो यस ये जो आपको दिख रहा है एरिया यहाँ पर, आप उनका छोटा सा एक प्ले एरिया या पेंटिंग एरिया उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, आप मोस्टली प्रोजेक्ट्स में देखते हैं कि ये जो आपका टफन ग्लास की या सैंडविच ग्लास की जो भी स्लाइडिंग विंडोज रहते हैं, या तो उसका लेवल जो है या तो ऊपर रहता है या थोड़ा नीचे, पर यहाँ पर आपको उसके लिए भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एकदम प्रॉपर लेवल्ड है। एज वेल एज यहाँ पर आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होता है, बहुत बार जब बरसात होती है तो पानी जम जाता है इन रेलिंग्स में, तो यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको होल्स दिए गए हैं ताकि आपका रेन वाटर रिलीज हो जाए। एज वेल एज इस साइड की बात करें तो यहां पर भी आपका रेन वाटर आउटलेट प्रोवाइड किया गया है। नाउ आपका ये जो किड्स बेडरूम है इसको आप गेस्ट बेडरूम के हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। बस बाहर के साइड वापस से आपको एक डाइनिंग टेबल या छोटा सा आपका टी टेबल अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक किड्स बेड अरेंज करने के बाद भी बहुत सारा स्पेस आपको यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए मिल रहा है। लेट्स से ऐसे ही आप यहाँ पर भी एक वार्डरोब कस्टमाइज कर सकते हैं आपके किड्स के डेली यूसेज के लिए। एज वेल एज यहाँ पर ऐसे ही आप एक स्टडी डेस्क भी अरेंज कर सकते हैं ताकि आपके किड्स पढ़ाई करें या स्कूल के या कॉलेज के कोई भी काम करें तो वो यहाँ पर कर पाए। एज वेल एज क्या होता है कि बहुत बार किड्स या जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि उनके साथ हाथ के पास रखने के लिए कुछ चाहिए। यस, अगर आप यहाँ पर नज़र डालेंगे उसके साथ ही एक अटैच ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत एक टेबल भी अरेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही आपके किड्स के जो भी अवार्ड्स है या अगर बुक शेल्फ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं विथ वार्डरोब, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे भी चाहे इस बेडरूम को आप उसी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ इसके ऑपोजिट में ही आप अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ योर कॉमन एरिया एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम। सो यहाँ पर भी आपको नीचे के साइड एंटी स्किड टाइल्स, वॉल पे डैडो टाइल्स प्रोवाइड किए गए हैं और आपके वेंटिलेशन के लिए वहाँ पर आपको विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। लेट मी टेल यू यहाँ पर जो सारे फिटिंग्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो ग्रोहे की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। एज वेल एज ऐसे ही अगर आप यहाँ पर नज़र डालेंगे तो कॉमन वॉशरूम में भी बेसिन आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। बेसिन आपको यहाँ पर कोहलर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट से इस कॉमन वॉशरूम को भी और भी थोड़ा प्रीमियम आपको बनाना है, येस यू कैन डू दैट। आप इस साइड पे भी एक मिरर अरेंज कर सकते हैं ताकि आपका जो ये वॉशरूम है उसको भी एक प्रीमियम फील आपको मिल पाए। नाउ लेट्स मूव टू योर फर्स्ट मास्टर बेडरूम, कम ऑन। जैसे ही आप इस एली से आते हैं आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम। जैसे ही आप इस मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं आपको दिख सकता है कि बहुत ही खूबसूरत स्पेस यहाँ पर भी प्रोवाइड किया गया है। यस, देखिए यहाँ पर एक क्वीन साइज बेड अरेंज किया गया है, फिर भी स्पेस बहुत सारा है। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर हर एक बेडरूम में आपको एक अटैच बैल्कनी मिलेगा। अगेन हियर कम्स योर अटैच बैल्कनी एंड दिस इज़ अ वेरी बिग बैल्कनी एज यू कैन सी। यहाँ पर ऐसे ही कुछ तरीके से आप एक टी टेबल अरेंज कर सकते हैं या तो आप इसको छोटा सा एक मिनी गार्डन भी अरेंज कर सकते हैं। और व्यूज़ की बात करें तो मैंने तो पहले ही बता दिया है कि दिस बिल्डिंग इज़ वेरी टॉल और इस एरिया में सबसे वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो व्यूज़ तो बहुत ही खूबसूरत होंगे। एज वेल एज यहाँ पर भी नीचे के साइड वुडन फिनिश का एंटी स्किड टाइल्स प्रोवाइड किए गए हैं। और आपको दीवारों की बात करें तो यहाँ पर भी एक टेक्सचर्ड वॉल प्रोवाइड किया गया है ताकि बहुत समय क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये जो दीवार होती है उसमें कभी कभार सीलन लग जाती है, पर नहीं यहाँ पर आपको उस चीज़ की भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर भी दीवार में आपको एंटी सीलिंग कोट आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मास्टर बेडरूम। अगर इस मास्टर बेडरूम की बात करें तो जो एक्सेस आपको मिल रहा है दैट्स अगेन विथ सैंडविच ग्लास विथ मस्क्यूटो मैश एंड उसके साथ ही आप अपने हिसाब से एक वार्डरोब कस्टमाइज़ कर सकते हैं ऐसे ही, जो कि आपके डेली यूसेज के लिए बहुत काम आएगा। एज वेल एज ऐसे ही फुल हाइटेड एक मिरर भी आप अरेंज कर सकते हैं।
और ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बेडरूम को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से ऐसे एक स्मार्ट टीवी भी अरेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपका वर्क फ्रॉम होम है, यस, ऐसे एक डेस्क अरेंज कर लीजिए यहाँ पर या कस्टमाइज कर लीजिए। बिफोर मूविंग टू योर सेकेंड मास्टर बेडरूम, लेट मी टेल यू, इसी बेडरूम के साथ आपको मिल जाता है एक अटैच वॉशरूम। अगर यहाँ पर भी आप नज़र डालेंगे, बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही एक प्रीमियम अटैच वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पर अगेन सारे फिटिंग्स ग्रोहे की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, एज वेल एज जो वॉश बेसिन है वो भी कोहलर की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। नाउ लेट्स मूव टू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। दिस इज योर ह्यूमंगस साइज ऑफ मास्टर बेडरूम। एज यू कैन सी, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्वीन साइज बेड अरेंज किया गया है, फिर भी स्पेस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो पहले बात करते हैं इस वॉल की। अगर यहाँ पर आप अपने हिसाब से एक स्मार्ट टीवी अरेंज करना चाहे, यस यू कैन डू दैट। और इसी के साथ इस बेडरूम में भी बहुत ही खूबसूरत आपको मिल रहा है अगेन एक बैल्कनी। यहाँ पर भी ऐसे ही तरीके से आप एक टू चेयर टेबल भी अरेंज कर सकते हैं आपके प्रीमियम कॉफ़ी और टी टाइम्स के लिए, क्योंकि व्यू के साथ एक कप चाय या एक कप कॉफ़ी तो बनता ही है। एंड उसके साथ ही यहाँ पर भी आपको नीचे के साइड एंटी स्किड वुडन फिनिश के टाइल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एज वेल एज यहाँ पर भी लेट्स से आप एक वर्टिकल गार्डन अरेंज करना चाहे, यस यू कैन डू दैट। अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पर भी आपके सेफ्टी के लिए टफन ग्लास की रेलिंग एज वेल एज स्टील बार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू योर मास्टर बेडरूम अगेन। एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ ह्यूमंगस साइज मास्टर बेडरूम, तो कैसे भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए, ऐसे ही आप यहाँ पर एक स्टडी डेस्क या वर्क फ्रॉम होम डेस्क भी अरेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपको इसको रिमूव करना है, यस, आपको और भी ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज मिल रहा है। पर लेट मी टेल यू, यहाँ पर आपको वार्डरोब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस यू आर गेटिंग राइट हियर, दिस इज़ योर वॉक इन वार्डरोब। यस, दिस इज़ अ 8x8 का आपको वॉक इन वार्डरोब यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको आप जैसे भी चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं विथ दिस अटैच वॉशरूम। तो वॉशरूम में जैसे ही आप एंटर करते हैं, यू कैन सी दिस स्पेस ब्यूटिफुली अरेंज्ड, एज वेल एज यहाँ पर भी एक एंटी स्किड टाइल्स प्रोवाइड किए गए हैं, एंड वॉल्स पे आपको डैडियो टाइल्स प्रोवाइड किए गए हैं, विथ वेंटिलेशन के लिए आपके विंडोज प्रोवाइड किए गए हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, इसको और भी ज़्यादा प्रीमियम आप बना सकते हैं। कैसे? जस्ट यहाँ पर आप अगर एक पार्टीशन बना दें तो आपका जो वेट एरिया है एंड ड्राई एरिया है उसको अलग अलग करके इसी वॉशरूम को और भी ज़्यादा प्रीमियम आप बना सकते हैं। अगर नीचे की साइड बात करें तो यहाँ पर आप ऐसे ही एक कैबिनेट बना सकते हैं आपके डेली टॉयलेट्रीज जो रहेंगे उसके लिए, स्टोरेज पर्पज़ के लिए कैसे भी चाहे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वॉशरूम भी बहुत सारा स्पेशियस आपको यहाँ पर मिल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट डिटेल्स। अगर प्रोजेक्ट डिटेल्स की यहाँ पर बात की जाए तो दिस इज़ अ लग्जरियस प्रोजेक्ट, जहाँ पर आपको बस दो ही टावर्स मिल रहे हैं, एंड द टोटल लैंड पार्सल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 1.68 एकर्स। तो यहाँ पर आपको हर एक फ्लोर में चार फ्लैट्स मिल जाता है विथ 3 लिफ्ट्स एंड 2 स्टेयरकेसेस। अगर बात करें यहाँ पे एमिनिटीज की, तो यहाँ पर आपको रूफ टॉप क्लब हाउस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर मुझे पर्सनली पूछे तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी प्रीमियम एंड वेरी बेस्ट प्रोजेक्ट, दिस कैन बी योर ड्रीम होम, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत रहेगा, अनइंटरप्टेड ग्रीनरी आपको यहाँ से मिल रहा है, एज वेल एज रिवर व्यू आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, दिस इज़ योर ड्रीम होम। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमें ऐसे ही वीडियोस आपके लिए इसी चैनल पे लाते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। माय नेम इज शाश्वत, आई एम फ्रॉम ब्रिकफोलियो प्राइवेट लिमिटेड, साइनिंग ऑफ टुडे, बाय।